हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रोडोजर। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, और उसमें हम लोग क्वेश्चंस किए थे कि जब मान लो मछली पानी के अंदर है, मतलब फिश अगर पानी के अंदर वाटर के अंदर है, और कोई बर्ड या कोई पक्षी या ईगल, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। और बोला था कि अगर ऊपर से ईगल देख रहा है तो उसको एक्चुअली जो फिश है वो वाटर के जो अंदर है वो सरफेस से जहाँ पे उसको एक्चुअल पोजीशन है उससे कुछ ऊपर दिखाई देता है। दैट इज़ उसका एक शिफ्ट होता था, दैट इज़ एपरेंट शिफ्ट हम लोग पढ़े थे, एपरेंट डेप्थ एंड एपरेंट हाइट करके कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास में भी हम लोग आगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे करते हुए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडे। ओके, हेडिंग डालो। टुडे हेडिंग क्या डालना है? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब आज हम लोग को ये पढ़ना है। ओके, चलो भाई, बेसिकली इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सो सोचो। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखो, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर कोई ग्लास स्लैब है, आप जाते होंगे किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे या आप कोई पैथ लैब में जाते होंगे, वहाँ पे देखते होंगे ग्लास स्लैब लेता होगा और उस पर आपको जो ब्लड टेस्ट रख करता होगा। तो पहले वाला सिस्टम में ऐसा होता था कि ब्लड लेकर और वो ग्लास स्लैब पे रखता था। तो आप वहाँ अगर जाते होंगे तो देखते होंगे, या फिर कहीं कोई ऑफिस में देखते होंगे कि कोई ग्लास स्लैब रखता है, तो अगर रखा हुआ है तो उसके अंदर अगर नीचे लेटर है तो लेटर एक्चुअली शिफ्टेड दिखाई देता है। तो उसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। चल देखो, एक एक चीज़ को मैं प्रूफ करते जाऊँगा, आपको समझते जाना है ना। देखो क्या है, एक हमने ग्लास स्लैब लिया। ओके, एक ग्लास स्लैब लिया जिसका थिकनेस दिया हुआ है टी। अब बोलोगे सर थिकनेस जो है हम लोग डी में लेते थे, एच में लेते थे, आप टी क्यों लिए? तो बेटा एक्चुअली क्या है, मोस्ट ऑफ द बुक में थिकनेस टी यूज करता है, या फिर जब एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा वहाँ पे भी आपको बेसिकली टी यूज करके ही पूछा जाएगा, टी दिया रहेगा। तो आपको फॉर्मूले याद करने के लिए इजी होगा अगर मैं यहाँ पे टी लेता हूँ तो, है ना। चल अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट है ओके, जो इस एक्सिस पे रखा हुआ है, और मान लो यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, चल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इस, देखो ये ग्लास स्लैब है ना, तो ये ग्लास स्लैब बेसिकली ग्लास स्लैब लुक लाइक दिस नहीं होगा, ये इस तरह से ग्लास स्लैब नहीं दिखेगा। ग्लास स्लैब किस तरीके से दिखेगा, ये मैं इसका कौन सा व्यू दिखाया हूँ, मैं एक सरफेस इसका लिया हूँ और सिर्फ मतलब कि क्या बोलते हैं प्लेन पे रिप्रेजेंट किया हूँ। अगर ग्लास स्लैब अगर देखोगे एक्चुअल में तो ऐसा कुछ रहेगा ना, है या नहीं? तो ग्लास स्लैब कुछ इस तरीका से दिखेगा, है ना। ओके, ग्लास स्लैब आपको कुछ इस तरीका से दिखाई देगा। मान लो ये थिकनेस इसका जो दे रखा है, मान लो टी दे रखा है ना, तो इस तरीका से एक्चुअली आपको ग्लास स्लैब दिखेगा। बट मैं क्या किया हूँ, मैं इस पार्ट को सिर्फ ले आऊँ, है ना। तो देखो एक रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर टाइप का, तो मैं एक रेक्टेंगुलर सिर्फ ले आऊँ। ओके, चलो हम लोग एक्चुअली सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3D में कोई फिगर नहीं बना रहे हैं, है ना। चलो ये दे रखा है टी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो इससे इस सरफेस से ठीक है, इसको सरफेस वन लिख दो, है ना, सरफेस वन
ये सरफेस टू, सरफेस टू ओके। ये सरफेस वन से डी डिस्टेंस पे है। इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, इस ग्लास सरफेस का, इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है ना। चल अब देखो बेटा क्या है कि जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या लेते हैं कि चलो मैं क्या किया, फर्स्ट रे ऑफ लाइट लिया गया है ना, ओके। अब क्या बेटा यहाँ पे कि अब फर्स्ट रे ऑफ लाइट फॉल क्या, कौन सा सरफेस पे, सरफेस वन। सरफेस वन जो बेसिकली एक इंटरफेस है वो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक मीडियम इधर एयर है, एयर इधर क्या है, एयर है, और इधर क्या है, एयर है। इस मीडियम क्या है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द मीडियम ऑफ ग्लास हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, ओके। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे है ना। चलो भाई नॉर्मल ड्रॉ किया, ओके लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट आई थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, देखो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, एयर से ग्लास में जा रहा है, मैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो लाइट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट करेगा और किधर बेंड करेगा, टू आर्ट द नॉर्मल, यानी कि टू आर्ट द नॉर्मल हम लोग इसको बेंड करवा दिए, ओके। चलो जी टू आर्ट द नॉर्मल बेंड कर गया, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या है कि सरफेस टू पे आया, अब सरफेस टू भी देखो एक मीडियम को सेपरेट कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, दिस मीडियम एंड दिस मीडियम, यानी यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा है ना। अगर नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करें यहाँ से, नॉर्मल विल लुक लाइक दिस है ना, और यहाँ से जो मीडियम रिफ्रैक्ट होगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। ज़्यादा हम लोग अवे कर दिए इस तरीके से है ना। अब देखो यहाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हुआ। हम लोग याद करो कि जब लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़े थे तो अगर एयर से वाटर में देखते थे तो एक बार रिफ्रैक्शन होता था, वहाँ पे एक्चुअली क्या होता था, एक मीडियम एक इंटरफेस होता था जो दो मीडियम को सेपरेट करता था। अब यहाँ पे दो इंटरफेस है जो दो बार सेपरेशन हो रहा है मीडियम का है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक बार एक इंटरफेस था तो एपरेंट शिफ्ट एक बार में होता था, एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट एक बार चेंज होता था, बट यहाँ पे दो बार है यानी दो बार चेंज होगा, तो उसी फार्मूलेज को हम लोग अप्लाई करेंगे है ना। आ जाओ अगर इसको रे डायग्राम बनाकर देखें तो मान लो ये रे ऑफ लाइट को अगर हम लोग बैक साइड मिलाएं, इस रे ऑफ लाइट को तो देखोगे कि ये रे ऑफ लाइट कहीं पे यहाँ पे, जो ये रे ऑफ लाइट है वो कहीं पे यहाँ पे आकर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को। तो ये ऑब्जेक्ट जो था उसका फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ उसके कारण शिफ्टिंग ये आ गया I1, और अगर इसके कारण तुम देखोगे तो शिफ्टिंग कुछ इस तरीका से होगा है ना, शिफ्टिंग कुछ इस तरीका से होगा, और ये मान लो कौन सा है I2, ओके। अब हम लोग यहाँ से ध्यान देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। रे डायग्राम आपको क्लियर हो गया कि अगर फर्स्ट रिफ्रैक्शन को, जो फर्स्ट इंटरफेस में जो रिफ्रैक्शन हुआ, अगर फर्स्ट रिफ्रैक्टेड लाइट को अगर बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सिस को कहीं पे कट करता है, मतलब वहाँ पे इमेज बन रहा है I1। सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम लोग बैक साइड प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं पे I2 पे मिल रहा है, ओके। चलो अब देखो भाई, अब देखो क्या करना है, सिंपली हम लोग जो एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट का जो कॉन्सेप्ट लगाते थे, रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, वो फार्मूले को यूज करेंगे। क्या बताए थे बताओ, देखो रिफ्रैक्शन किस पे हो रहा है, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट सरफेस वन। अगर रिफ्रैक्शन सरफेस वन पे हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, एपरेंट बाय रियल इज इक्वल टू क्या, N2 अपॉन N1,
और बार बार हम बोले थे N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है। ओके, तो अगर यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, डी डैश इज द एपरेंट डेप्थ, एपरेंट ये डिस्टेंस होगा ना, तो ये मान लो ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा, ये मान लो डी डैश है, तो डी डैश अपॉन डी, डी इज द रियल, तो रियल तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखो इससे फर्स्ट सरफेस से कितना है, डी ही तो है, और एन टू, एन टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, और इसका रिफ्रैक्टिव एन वन जिससे आ रही है डेट इज एयर, सो इट इज वन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डी डैश इज इक्वल टू म्यू डी, लिखा जा सकता है क्या डी डैश इज इक्वल टू म्यू डी? हाँ सर लिखा जा सकता है। अब आइए सर नेक्स्ट, तो इस सरफेस पे तो रिफ्रैक्शन हुआ है ना, अब हम लोग इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे क्या है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस टू, रिफ्रैक्शन एट सरफेस टू, सरफेस टू पे रिफ्रैक्शन हम लोग को देखना है। अब क्या अप्लाई करेंगे, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, रियल डेप्थ क्या है सरफेस टू से देखो। अब इसके लिए देखो बेसिकली इंसिडेंट रे कौन सा हो गया, ये वाला रे हो गया ना, ये वाला रे हो गया, तो इसके लिए बेसिकली क्या है डिस्टेंस ये देखो कितना हो गया, तो टी प्लस डी डैश, यानी टी प्लस डी डैश, समझ में आ रहा है? अब देखो एक्चुअली डिस्टेंस कौन सा, रियल कौन सा हो गया, ये यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है आई वन का, यहाँ पे आई वन अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा सेकेंड सरफेस के लिए, तो कितना हो गया टी, ये हो गया प्लस डी डैश, तो टी प्लस डी डैश, तो यहाँ पे डी डबल डैश लिखते हैं ना, सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए टी डी डबल डैश, तो टी प्लस डी डैश इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, और N2 क्या है बताओ, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, किसमें जा रही है रे ऑफ लाइट, एयर में जा रही है, और किस से आ रही है म्यू, यानी डी डबल डैश कैन बी रिटेन एज वन बाई म्यू ऑफ टी प्लस डी डैश, डी डैश को क्या लिखते हम लोग, डी डैश को अभी अभी लिखे म्यू डी, तो म्यू डी। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें आगे आ जाओ, तो क्या लिख सकते हैं ये कि डी डबल डैश इज इक्वल टू, डी डबल डैश इज इक्वल टू टी बाई म्यू, टी बाई म्यू प्लस डी, टी बाई म्यू प्लस डी। अब देखो बेटा ये जो मेरा आया क्या आया, ये बेसिकली क्या आया अपना, देखो ये डी डबल डैश इज व्हाट, एपरेंट डेप्थ फॉर सरफेस व्हाट, एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट, तो एपरेंट लेंथ यहाँ पे कह सकते हो ना, एपरेंट लेंथ यहाँ पे क्या आया है, डी डबल डैश आया है इस सरफेस के लिए। ओके, आया ना आया, ठीक है। नाउ अब देखो अगर हम लोग को बोला जाए कि शिफ्टिंग कितना हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ शिफ्टिंग, आ जाओ शिफ्टिंग कितना होगा बताओ, तो अगर यहाँ से हम लोग को लिखा जाए तो डी डबल डैश मतलब ये लेंथ है ना, ये लेंथ है डी डबल डैश, ओके समझ में आया, डी डबल डैश ये लेंथ आया है ना। चलो अब देखो, अब हम लोग से अगर बोला जाए कि क्या बोला जाए कि एपरेंट डेप्थ कितना आया, तो ये तो ये सरफेस के लिए एपरेंट डेप्थ आया, हम लोग अगर लिखेंगे सरफेस वन से, तो यहाँ से लिखेंगे ए डबल पी एपरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, एपरेंट इमेज डिस्टेंस, एपरेंट इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, एपरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम सरफेस वन,
फ्रॉम सरफेस वन। सरफेस वन से एपरेंट डिस्टेंस क्या होगा, एपरेंट इमेज डिस्टेंस, ध्यान देना, इस ऑब्जेक्ट का एपरेंट फाइनल एपरेंट डिस्टेंस क्या होगा। तो ये फाइनल इमेज यहाँ पे बनाना, तो ये लेंथ हमारा बेसिकली होगा सरफेस वन से ये लेंथ। अब अगर ये लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखो बेसिकली क्या है, ये टोटल हो गया, टोटल तो डिस्टेंस डी डबल डैश निकाल ही दिए, और ये है हो गया डी, हम लोग को निकालना है ये डिस्टेंस ना, क्या करेंगे बताओ इसके लिए। तो अगर हम लोग टी प्लस डी में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा टी प्लस टोटल डिस्टेंस में से अगर हम लोग, या फिर डी डबल डैश में से टी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, डी डबल डैश में से अगर हम लोग टी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो डिस्टेंस आ जाएगा, है ना, इस सरफेस से, सरफेस वन से, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, डी डबल डैश में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कौन सा ये टी, टी ही तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो लिख देंगे टी, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, डी डबल डैश तो टी बाई म्यू प्लस डी माइनस टी, इसलिए क्या लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ से हम लोग अगर टी कॉमन करेंगे ये बेसिकली हो जाएगा, है ना। अच्छा अब फाइनली लेकिन हम लोग को ये एपरेंट इमेज डिस्टेंस वगैरह नहीं पूछता है ना, पूछता बेसिकली क्या है, शिफ्टिंग। तो शिफ्ट कितना होगा बताओ, था यहाँ पे और आ गया यहाँ पे, ये फाइनल शिफ्टिंग इतना हुआ। तो अगर हम लोग इस चीज़ को इरेज करें तो हम लोग लिखेंगे शिफ्ट, है ना, शिफ्ट कितना हुआ बताओ, शिफ्ट कितना हुआ। तो शिफ्ट बेसिकली अगर हम लोग को लिखना है तो देखो शिफ्ट बेसिकली क्या हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं ओ आई टू, यही तो शिफ्टिंग हुआ ना, यहाँ था और आ गया यहाँ पे, यानी इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग हुआ है, कितना हुआ है वो लिखना है हम लोग को। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा, यही तो शिफ्टिंग होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस कितना हो, टी प्लस डी माइनस ऑफ डी डैश, यानी टी प्लस डी माइनस ऑफ डी डबल डैश, टी प्लस डी डबल डैश इज टी बाई म्यू माइनस ऑफ डी, प्लस टी एंड माइनस डी गेट्स कैंसिल्ड आउट, यहाँ पे टी कॉमन कर ले तो वन माइनस वन बाई म्यू। तो फाइनल शिफ्ट जो हमारा आया वो फार्मूला ये है, और यही फार्मूला हम लोग को याद करके रखना है, ओके। बट ये तो हमारा डेरिवेशन हुआ, ध्यान रखना हर हमेशा कि शिफ्टिंग जो हुआ वो किधर आया, क्या शिफ्टिंग का जो मैग्नीट्यूड होगा टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, ओके। अब इस फार्मूलों को, अब इस फार्मूला को यूज करते समय इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है, फार्मूला को यूज करते समय इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है वो ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्लैब के दोनों साइड का जो दोनों साइड का सराउंडिंग है, देखो ये और ये दोनों एयर है, मतलब मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ स्लैब शुड बी सेम। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, अब ये तो आया भाई, ये आया हमारा शिफ्टिंग, बट ये शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में होगा, शिफ्ट यहाँ पे देखो, अगर पहले वाले में तुम अगर शिफ्टिंग देखो तो जो इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट हुआ है, दूसरे वाले में शिफ्टिंग देखो तो इंसिडेंट रे में, तो जो इंसिडेंट रे है जो उसके डायरेक्शन में हुआ है, तो आप कैसे समझोगे, तो उसके सीधा सी बताते हैं, यहाँ से देखो म्यू का वैल्यू, म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास, ओके। अब अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का मीडियम से ज़्यादा होगा
बाहर के मीडियम से ज़्यादा होगा तो जो शिफ्टिंग होगा, बाहर के मीडियम से ज़्यादा होगा तो जो शिफ्टिंग होगा वो किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। लेकिन अगर ग्लास का, स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा बाहर के मीडियम से, सराउंडिंग के मीडियम से, तो शिफ्टिंग होगा लेफ्ट साइड। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ से लिख सकते हो, है ना, आगे मैं बताता हूँ इसको इरेज करके, है ना। ठीक, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई थिंक आना चाहिए, सब चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर दिखाई दे रहा है तो आना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा था कि शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगा उस पर डिपेंड करेगा, है ना। आ जाओ, उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, है ना, तब ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, मान लो अभी तो जो मीडियम दोनों साइड जो दिया हुआ था, स्लैब का जो मीडियम जो दोनों साइड दिया हुआ था वो दोनों एयर था। अब ऐसा करते हैं कि दोनों साइड जो मीडियम लेते हैं वो मीडियम दोनों अलग अलग लेते हैं, ठीक है। इस साइड जो मीडियम है, क्योंकि पहले ही बोल दिया था दोनों साइड मीडियम एक होना चाहिए, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव N1 है, इधर भी N1 है, क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए, सराउंडिंग तो सेम ही होगा ना, इसका 1 है, इसका N2 है। ओके, चलो आ जाओ। अब अगर हम लोग इसको सरफेस को 1 मान ले, दिस इज सरफेस 2। ओके, सरफेस 2, ठीक है। अब हम लोग अगर सिंपल सा फार्मूला यूज कर दें तो फर्स्ट सरफेस के पास होगा तो d' / d, मान लो ऑब्जेक्ट जो है d डिस्टेंस पे, है ना, तो d' / d इजकल टू व्हाट, N2/N1, N2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N1 इसका है। अब अगर यहाँ से लिखोगे तो d' क्या आ जाएगा, N2/N1 × d, राइट। चलो, ये किसका डिस्टेंस आया, N2/N1 × d किसका डिस्टेंस आया, फर्स्ट शिफ्टिंग का डिस्टेंस आया। तो मान लो ये फर्स्ट शिफ्टिंग इधर कहीं पे आया, ठीक है, ये मान लो d' है। ओके, अब ये जो है I1, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, तो I1 जो है अब इसके लिए क्या, सरफेस 2 के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो अब यहाँ से d" / क्या लिखेंगे भाई, ये थिकनेस टी दिया हुआ है ना, तो t + d' इज इक्वल टू व्हाट, N2/N1, N2 यहाँ पे कौन सा, जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, डेट इज N1, तो N1/N2, यानी d" इज इक्वल टू N1/N2 ऑफ t + d'। ये होगा, बोलो। अब d" अपना आ गया, d" लेट्स यहाँ पे इधर कहीं पे आया, है ना, d" इधर कहीं पे मान लो आया। अब देखो कि हम लोग को शिफ्ट निकालना है ना, तो शिफ्ट इज इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, कि t + d - d', तो ये हो गया विड्थ, ठीक है, और ये d क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस 1, माइनस d" यही तो है ना, यहाँ सब सेकेंड सरफेस से ही पूरा डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ गया शिफ्टिंग। तो क्या लिखेंगे भाई बताओ, तो t + d - d" को क्या लिखेंगे, N1/N2 t + d' का वैल्यू क्या लिख देंगे, N2/N1 d। अब अगर इसको सॉल्व करो तो t + d - n1/N2 t - n2/N1 × n1/N2 d, ये दोनों देखो कैंसिल हो रहा है, तो प्लस d माइनस d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से लिख देंगे t - n1/N2,
इंटू टी, यहाँ से टी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस n1 अपॉन n2। देखो बेटा ध्यान से अगर देखोगे, तो जो लास्ट में पहले जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, इससे पहले जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसमें जो शिफ्टिंग आया था अपना, वो था टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, बेसिकली ये क्या था, एन वन का जगह पे वैल्यू 1 था। क्यों था एन वन के जगह पे वैल्यू 1 और एन टू के जगह पे म्यू? क्योंकि एन टू के जगह पे दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एन वन के जगह पे 1 इसलिए था क्योंकि बाहर का जो मीडियम था वो कौन सा था, एयर था, है ना। तो इसलिए हम लोग बाहर के मीडियम एयर होने की वजह से हम लोग उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिख देते थे। ओके चलो आ जाओ, ठीक है समझ में आया। अब देखो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इस फार्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू टी इंटू 1 बाई n2 बाई n1। और n2 बाई n1 को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं टी इंटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, ये भी पढ़ सकते हो। और अगर ऐसे लिखोगे एस इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस n2 बाई n1, तो n2 बाई n1 को हम लोग क्या पढ़ते थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। यानी कि इसको फाइनली जाके हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई n रिलेटिव। n रिलेटिव अगर लिखा जाए इसका मतलब क्या होगा, n2 अपॉन n1, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब और n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, है ना, तो ये भी लिख सकते हैं। ओके चलो अभी जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले थे अब उस पर आते हैं, ठीक है। देखो पॉइंट डिस्कस क्या करने वाले थे, डिस्कस ये कर रहे थे कि शिफ्टिंग जो था अपना वो टी इंटू 1 माइनस 1 बाई n रिलेटिव एंड n रिलेटिव इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ओके मैं बोला था n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, n1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, है ना। ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। अब देखो क्या करते हैं, मैं बोला कि देखो ये तो अपना n रिलेटिव है, n रिलेटिव का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, n रिलेटिव का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो s जो आएगा शिफ्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों शिफ्ट जो आएगा, अगर n रिलेटिव का वैल्यू अगर 1 है तो ग्रेटर देन, अगर n रिलेटिव ग्रेटर देन 1 है तो शिफ्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर n रिलेटिव लेस देन 1 है तो शिफ्ट जो आएगा वो निगेटिव आएगा।
पॉजिटिव मीन्स व्हाट, पॉजिटिव मीन्स व्हाट, पॉजिटिव मीन्स अगर बोला जाए तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, शिफ्ट विल टेक प्लेस, शिफ्ट विल टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा, ठीक है। और अगर शिफ्ट नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, शिफ्ट इज अपोजिट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट, ओके। अगर इन रिलेटिव लेस देन वन है तो शिफ्ट नेगेटिव आएगा और वो शिफ्टिंग उसका किधर होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो कैसे एस पॉजिटिव और एस नेगेटिव इन रिलेटिव ज़्यादा वन अगर कैसे होगा। इन रिलेटिव बेसिकली क्या है, इन रिलेटिव बेसिकली क्या है, एन टू अपॉन एन वन, एन टू अपॉन एन वन ग्रेटर देन वन, इसका मतलब क्या हो गया, एन टू इज ग्रेटर देन वन। एन टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्लैब का, एन वन किसका है, सराउंडिंग का। मतलब अगर स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू व्हाट, सराउंडिंग, तो शिफ्टिंग किधर होगा, पॉजिटिव होगा और उस किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ होगा। सिमिलरली एन रिलेटिव अगर लेस देन है, इसका मतलब क्या हो गया, एन टू अपॉन एन वन इज लेस देन वन मीन्स एन टू इज लेस देन एन वन, इसका मतलब क्या हो गया, एन टू इज लेस देन एन वन का मतलब क्या हो गया कि एन ऑफ स्लैब इज लेस देन एन ऑफ सराउंडिंग, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान देना बेटा आपको, है ना। अब ये चीज़ भी कैसे आया, अब कैसे सर आप बोल दियो कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो सिंपल सी बात देखो, अगर ये चीज़ वन से बड़ा होगा, एन रिलेटिव अगर वन से बड़ा होगा, यहाँ से देखो, एन रिलेटिव अगर वन से बड़ा होगा, इट मीन्स वन डिवाइडेड बाई समथिंग बड़ा इज लेस देन वन, और अगर वन माइनस समथिंग लेस देन वन, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ पॉजिटिव नंबर से आएंगे, है ना। लेकिन अगर ये वन से छोटा होगा, अगर ये वन से छोटा होगा तो वन डिवाइडेड बाई समथिंग लेस देन वन गिव्स रिजल्टेंट ग्रेटर देन वन। तो अगर वन माइनस समथिंग ग्रेटर देन वन विल गिव यू नेगेटिव नंबर। सो व्हेन नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द थिकनेस इट विल गिव द नेगेटिव शिफ्टिंग, ओके। तो समझ में आपको आया होगा, सिंपल से अगर हिंदी में मैं बता दे तो, अगर एन रिलेटिव का वैल्यू यहाँ पे अगर वन से बड़ा होगा तो एक से डिवाइड करेंगे वन से बड़ा कोई नंबर से, मान लो फॉर एग्जांपल वन डिवाइडेड बाय टू, देखो 0.5 आया, तो वन माइनस 0.5 इज 0.5 विच इज़ पॉजिटिव, ओके। अगर वही हम लोग अगर वन से छोटा ले ले तो ले, मान लो कि वन से छोटा डाटी ले लो, वन बाई टू में ले लिया, है ना। अगर वन बाई टू लिया तो वन बाई टू ऊपर चला जाएगा और यह आ जाएगा क्या, वन माइनस टू डैट इज माइनस वन, तो नेगेटिव नंबर आ गया, है ना। तो इस तरीका से नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव शिफ्टिंग होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट था, तो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, फर्स्ट पॉइंट ये लिखा था, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था बताओ, फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया था कि क्या लिखवाया था, हाँ लिखवाया था कि सराउंडिंग का होगा और ये होगा। सेकेंड पॉइंट में लिखवाया कि शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगा, उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव शिफ्ट कैसे होगा नेगेटिव शिफ्ट कैसे होगा, उसका एग्जांपल ये कि स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सराउंडिंग तो स्लैब पॉजिटिव शिफ्टिंग पॉजिटिव होगा और नहीं तो नेगेटिव आएगा, है ना। चलो हो गया, समझ में आया, चलो आ जाओ। अब देखो भाई, अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे हर हमेशा याद रखना है, ध्यान देना है क्या चीज़ कि भाई शिफ्टिंग कितना हो रहा है,
सिंपल सी बात क्या है, शिफ्टिंग कितना हो रहा है ना। तो जो फर्स्ट में कॉन्सेप्ट में बताया था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब व्हेन द मीडियम व्हेन द सराउंडिंग इज एयर, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट में पढ़े थे व्हेन सराउंडिंग इज अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N1। ओके चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डैट इज मल्टीपल स्लैब रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल ग्लास स्लैब। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल ग्लास स्लैब। ओके, अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि सर एक ग्लास स्लैब नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, चलो मैं दो ले लेता हूँ या तीन ले लो, चलो तीन ले लेता हूँ, तीन ग्लास स्लैब ले लिया। फिर इससे मैं जनरल केस में बना दूँगा मल्टीपल स्लैब, मान लो n स्लैब है, अभी मैं बेसिकली थ्री ग्लास स्लैब लिया हूँ। ठीक है, ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3। बाहर का जो सराउंडिंग है वो मान लो क्या है, एयर ही है ना, एयर है। ओके, मोस्ट ऑफ द केस आपको एयर देगा, अगर कभी बोल देगा दूसरा मीडियम वाटर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेंगे जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, है ना। चलो भाई, ओके ये होगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दे रखा है इस स्लैब से, वो दे रखा है मान लो d, इसका थिकनेस t1 है, इसका थिकनेस t2 है, एंड दिस इज t3। ओके, अब अगर हम लोग बात करें तो देखो ये बेसिकली सरफेस कौन सा हो गया, 1 हो गया, ये सरफेस कौन सा हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और दिस इज 4, है ना, 1, 2, 3 एंड 4। तो एक एक करके हम लोग अगर अब देखें कि क्या हो रहा है, तो देखो ये बेसिकली फर्स्ट सरफेस है, तो पहले तो रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस के पास होगा, तो लिखते चलते हैं ना, रिफ्रैक्शन एट सरफेस फर्स्ट, किसके पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट के पास, तो क्या लिखेंगे भाई बताओ, कुछ शिफ्टिंग होगा मान लो डी डैश अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस डेट इज ओरिजिनल लेंथ डिस्टेंस डी N2 अपॉन N1। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही किस में, N1 में अपॉन 1। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, डी डैश इज इक्वल टू N1 D, लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा अब जो आया डिस्टेंस, बेसिकली मान लो ये इधर कहीं जो डिस्टेंस आया डैट इज डी डैश। ओके समझ आया, चलो अब ये जो I1 है सरफेस 2 के लिए क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, है ना, सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2। अब सेकेंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा जब, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, डैट इज रियल डिस्टेंस, रियल डिस्टेंस है t1 प्लस डी डैश, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ डैट इज डी डबल डैश इज t1 प्लस डी डैश इज इक्वल टू व्हाट, N2 अपॉन N1। N2 किस में, जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है N2 में, आ रही किस में, N1 से, तो N2 अपॉन N1। ओके, तो यहाँ से अगर डी डैश लिखा जाए, तो क्या लिखेंगे, डी डबल डैश इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, N2 अपॉन N1 T1 प्लस डी डैश, डी डैश इज वट, N1 इंटू डी,
ठीक है, तुम ध्यान से देखते जाओ लाइन टू लाइन। डी डैश का वैल्यू जो था मैं पुट कर दिया एन वन इंटू डी। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो डी डबल डैश आ जाएगा बाबू एन टू अपॉन एन वन टी वन प्लस एन टू डी। अब डी डैश ये आ गया, मान लो कि डी डैश इधर कहीं पे है, मान लो डी डैश इधर कहीं पे है, डी डबल डैश हो गया ये, है ना। ओके, अब डी डबल डैश किससे आएगा वो ध्यान रखना, डी डबल डैश किससे आएगा तो सरफेस टू से होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन सरफेस टू से हुआ है। अब किस पे रिफ्रैक्शन होगा, सरफेस थ्री पे होगा, तो लिखते हैं आगे रिफ्रैक्शन, इसको बॉक्स में डाल देते हैं, रिफ्रैक्शन एट सरफेस टू, रिफ्रैक्शन एट सरफेस टू, सॉरी थ्री ना, टू पे तो हो ही गया था थ्री। अब थ्री पे हो रहा है तो डी ट्रिपल डैश मान लेते हैं बाई व्हाट, यहाँ से डिस्टेंस मानो किसका, आई टू का ना, क्योंकि आई टू अब इसके लिए किस चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट की काम करेगा। तो दिस डिस्टेंस टी टू प्लस व्हाट डी डैश, डी डबल डैश, टी टू प्लस डी डबल डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे एन टू अपन एन वन, एन टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सरफेस थ्री पे, एन थ्री अपॉन एन टू, डैट इज एन थ्री अपॉन एन टू। तो यहाँ से डी ट्रिपल डैश क्या लिख सकते हैं, एन थ्री अपॉन एन टू इंटू टी टू प्लस डी ट्रिपल डबल डैश। ओके, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे डी ट्रिपल डैश तो क्या लिखेंगे भाई बताओ, डी ट्रिपल डैश क्या लिखेंगे, लिखेंगे एन थ्री अपॉन एन टू टी टू, एन थ्री अपॉन एन टू टी टू एंड प्लस ऑफ एन थ्री अपॉन एन टू। अब देखो डी डबल डैश का वैल्यू क्या है, डैट इज यहाँ से डी डबल डैश का वैल्यू पुट कर देते हैं एन टू अपॉन एन वन, एन टू अपॉन एन वन टी वन प्लस एन टू डी। इसको सॉल्व अगर कर लोगे डी ट्रिपल डैश को तो क्या आ जाएगा बताओ, डी ट्रिपल डैश को सॉल्व करोगे आ जाएगा एन थ्री अपॉन एन टू टी टू प्लस एन थ्री अपॉन एन टू और एन टू कैंसिल हो जाएगा, डैट एन थ्री अपॉन एन वन टी वन प्लस यहाँ से देखो एन टू एन टू कैंसिल हो जाएगा, डैट इज एन थ्री इंटू डी, है ना, एन थ्री इंटू डी। ओके, डी ट्रिपल डैश हो गया। अब किस पे रिफ्रैक्शन होगा, फोर्थ पे, तो यहाँ से लिख दो रिफ्रैक्शन, इसको डाल दो बॉक्स में, रिफ्रैक्शन एट सरफेस फोर। अब मान लो कि डी फोर जो आया, मान लो कि डी फोर जो आया वो कुछ इधर कहीं पे आ गया। ओके, मान लो डी फोर जो आया वो इधर कहीं पे आ गया है, मतलब डी ट्रिपल डैश जो आया इधर कहीं पे आ गया। ओके, तो रिफ्रैक्शन एट सरफेस फोर मतलब इससे, तो क्या लिखेंगे टी थ्री प्लस डी ट्रिपल डैश, तो यहाँ से लिखेंगे डी फोर डैश बाई टी थ्री प्लस डी ट्रिपल डैश इजकल टू एन टू अपॉन एन वन। एन टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन टू इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, एयर, डैट इज वन अपॉन एन थ्री। सो डी फोर डैश इज इक्वल टू वन बाई एन थ्री इंटू टी थ्री प्लस डी ट्रिपल डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी थ्री बाई एन थ्री प्लस डी ट्रिपल डैश बाई एन थ्री। डी ट्रिपल डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, बट अभी पुट नहीं करते, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग को क्या करना है, सो देखो, तो ये हमारा क्या गया डी फोर डैश, मान लो डी फोर डैश इधर कहीं पे आया,
तो ये तो आई थ्री था। अब ये मान लो आई फोर जो आया बेसिकली वो आया मान लो ये, तो आई फोर। अब हम लोग को शिफ्ट निकालना है, तो शिफ्ट के लिए क्या करेंगे बताओ, ये डिस्टेंस ओरिजिनल डिस्टेंस माइनस अगर ये डिस्टेंस कर दे तो हो जाएगा क्या? तो अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो क्या लिखेंगे, डी प्लस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, यानी कि डी प्लस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री माइनस वाट, डी फोर डैश, यही तो होगा डी फोर डैश है ना, ये डी फोर डैश ही तो है। तो डी फोर डैश को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डी प्लस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री माइनस डी फोर डैश को अगर करोगे तो क्या लिखोगे, टी थ्री अपॉन एन थ्री प्लस डी ट्रिपल डैश, डी ट्रिपल डैश बाई एन थ्री। अब देखो अगर डी ट्रिपल डैश बाई एन थ्री करोगे, मान लो यहाँ से मैं प्लस करता हूँ, ओके, डी ट्रिपल डैश बाई एन थ्री, तो डी ट्रिपल डैश बाई एन थ्री, एन थ्री एन थ्री गेट्स कैंसिल्ड आउट, और यहाँ से लिख सकते हो टी टू अपॉन एन टू, ठीक है, और यहाँ से देखो एन थ्री कैंसिल हो जाएगा, टी वन अपॉन एन वन, एन थ्री कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा प्लस डी, यही तो होगा प्लस डी। लेकिन देखो यहाँ पे सब में माइनस लगा था इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, यानी ब्रैकेट का साइन जितना भी है सब चेंज हो जाएगा। अब देखो ये प्लस डी और ये माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से शिफ्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो टी वन है और यहाँ पे भी टी वन है, तो टी वन अगर हम लोग कॉमन कर ले तो वन माइनस वन बाई एन वन, यहाँ पे टी टू है और यहाँ पे टी टू, अगर हम लोग टी टू कॉमन कर ले तो वन माइनस वन बाई एन टू, टी थ्री को कॉमन कर ले तो वन माइनस वन बाई एन थ्री। शिफ्ट अगर देखो तो टी वन माइनस वन बाई एन वन प्लस टी टू माइनस वन बाई एन टू प्लस टी थ्री इंटू वन माइनस वन बाई एन थ्री, मतलब जो नेट शिफ्टिंग हुआ, जो नेट शिफ्ट हुआ ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लैब इज सिंपली द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल शिफ्ट, इज सिंपली द इंडिविजुअल एडिशन ऑफ इंडिविजुअल शिफ्ट। तो ये बेसिकली आपका पूरा प्रूफ था जिसमें हम लोग लिए थे कि इसके तरफ एयर है और इसके तरफ एयर है, इसलिए देखो सब में वन 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 आ गया। अगर सबका मीडियम, अगर इसका अगर कुछ रहता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ पे वन के जगह पे कुछ और आता, या यू कैन राइट हेयर एन एन के जगह पे एन वन एन टू के जगह पे लिख सकते हो एन रिलेटिव, एन रिलेटिव है ना। तो ये हमारा बेसिकली था शिफ्टिंग। फिर से वही चीज़ ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे शिफ्टिंग पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो सिर्फ ध्यान देना आपको ये एन रिलेटिव के पे है ना, एन रिलेटिव के कॉन्सेप्ट पे है ना। चलो अभी जैसे मैं अपने खुद से ले लिया था ऐसा इसके अनुसार से है ना, चलो तो इसको मैं इरेज करूँ, चलो करता हूँ, बस जो लास्ट जो फार्मूला है उसको मैं लिखूँगा और उसका रिगार्डिंग मैं बताऊँगा इस पॉइंट, इस फार्मूला को यूज करते समय क्या क्या ध्यान देना है ना। अगर देखो मैं यहाँ पे तीन स्लैब लिया तो थोड़ा डेरिवेशन बढ़ा गया, अगर दो दो स्लैब लोगों तो डेरिवेशन थोड़ा छोटा जाएगा, फिर जनरल केस बना सकते हो है ना। तो अगर हम लोग जनरली लिखे फॉर एन मल्टीपल स्लैब, फॉर एन मल्टीपल स्लैब लिखे क्या हम लोग, फॉर एन स्लैब, फॉर एन स्लैब, ठीक है, मान लो एन स्लैब है तो उसका जो एस नेट आएगा, जो शिफ्ट नेट शिफ्ट आएगा, डेट इज टी वन इंटू वन बाई वन माइनस एन रिलेटिव लिख सकते हो या फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हो, टी टू इंटू वन माइनस वन बाई एन टू प्लस टी थ्री इंटू वन माइनस वन बाई एन थ्री डॉट 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 टी एन प्लस वन माइनस वन बाई
प्लस टी एम लिखते हैं, है ना। एन तो अपना दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो ये आएगा अपना अगर नेट हम लोग को लिखना है तो, है ना, ओके। ये एन वन को हम लोग लिख सकते हैं एन रिलेटिव, या फिर लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसको लिख सकते हो क्या, एन टू एस, एन थ्री एस एंड दैट इज एन एम एस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम एथ मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना, ओके। तो ये चीज़ समझ में आपको आया होगा, है ना। चलो जी, अब बोलेगा कोई कि सर ये स्लैब तो एक दूसरे को टच कर रहा था, अगर स्लैब एक दूसरे को टच नहीं करेगा तो बताइए कि शिफ्टिंग क्या होगा। तो चलो बेटा मैं एक कॉन्सेप्ट उस पर भी देख लेता हूँ, है ना। अगर स्लैब एक दूसरे को टच नहीं करेगा तो क्या होगा, है ना। देखो, मान लो ये जो स्लैब है इस बार टच नहीं कर रहा है स्लैब, ओके। इसका जो थिकनेस दे रखा है T1 दे रखा है, इसका थिकनेस दे रखा है T2 दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लो X, ओके। यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो D डिस्टेंस पे है, ओके। समझ में आ रहा है, बोलो आ रहा है। ये सरफेस कौन सा हो गया, 1, ये 2, ये 3 एंड दिस इज 4। यहाँ पे भी सेम केस है। तो बेटा एक्चुअली बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी जो शिफ्टिंग होगा ये नेट, वो सिंपल वही होगा T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई N1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बाई N2। मतलब सिंपली यहाँ पे भी जो होगा नेट शिफ्टिंग ड्यू टू टू स्लैब हैविंग विथ अ डिस्टेंस ऑफ x, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस x है तो उसका जो नेट शिफ्टिंग होगा वो भी कितना होगा, सिंपली इंडिविजुअल शिफ्टिंग का सम के बराबर होगा। मतलब दोनों का अलग अलग अगर शिफ्टिंग निकाल दो और दोनों को ऐड कर दो तो उस शिफ्टिंग के बराबर होगा। अब इसको अगर कोई सर कैसे मान लें, तो कर सकते हो बेटा। देखो, फर्स्ट सरफेस के पास रिफ्रैक्शन ले लो। अगर फर्स्ट सरफेस के पास रिफ्रैक्शन लोगे तो क्या लिखोगे, एट सरफेस वन, तो क्या लिखोगे, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू N1 अपॉन 1, है ना। यानी कि लिख सकते हो क्या, डी डैश इज इक्वल टू N1 D, ठीक है। सेकेंड सरफेस पे लिखोगे एट सरफेस 2, तो क्या लिखोगे, डी डबल डैश। डिस्टेंस क्या होगा सेकेंड सरफेस के लिए, तो ये हो जाएगा, मान लो ये कहीं पे आ गया I1, है ना, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, डी डैश। तो क्या लिखोगे, डी डबल डैश इज इक्वल टू T1 प्लस डी डैश इज इक्वल टू किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बाई N1। इसको सॉल्व कर दोगे तो डी डबल डैश क्या आ गया भाई, दैट इज T1 प्लस डी डैश, डी डैश का वैल्यू लिख देते हैं N1 इंटू डी बाई N1। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, आ जाएगा T1 अपॉन N1 प्लस टी, ओके। एट सरफेस 3 अब लिख देते हैं, एट सरफेस 3, अब ये तो डी डबल डैश मान लो इधर कहीं पे आ गया I2, तो ये सरफेस हो गया डी डबल डैश। अब क्या करना है भाई बताओ, एट सरफेस 3, सरफेस 3 पे होगा तो डी ट्रिपल डैश बाई क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंस क्या, x प्लस T1 या फिर x प्लस डी डबल डैश लिख दें, x प्लस डी डबल डैश। यहाँ से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 अपॉन 1, यानी कि डी ट्रिपल डैश
यानी कि डी ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो डी ट्रिपल डैश लिख सकते हैं डैट इज इनटू एक्स प्लस इनटू डी डबल डैश। डी डबल डैश का वैल्यू कितना आया है, T1/N1 प्लस डी। अगर डी ट्रिपल डैश को सॉल्व करोगे तो आ गया इनटू एक्स प्लस N2/N1 T1 प्लस D। ओके, अब एट सरफेस फोर लिखोगे D4' बाई क्या लिखोगे, इससे डिस्टेंस। मान लो इसका इमेज इधर कहीं बना है तो क्या लिखोगे, ये D4' D" ये हो गया, तो ये डिस्टेंस D" हो गया है ना। तो D" तो लिखोगे क्या, T2 प्लस D" अपॉन 1/N2। इसको सॉल्व करोगे D4' को तो T2/N2 प्लस D" डेट इज N2 गेट्स कैंसिल डेट इज X, N2 गेट्स कैंसिल डेट इज T1/N1, N2 गेट्स कैंसिल डेट इज D। हो गया D4'। नाउ जो शिफ्ट हो गया वो क्या हो गया, शिफ्ट होगा क्या T2 प्लस X प्लस T1 प्लस D, T2 प्लस X प्लस T1 प्लस D माइनस ऑफ D4'। मतलब अगर शिफ्ट देखो बेसिकली यही होगा ना, D4' मान लो इधर कहीं पे होगा, मान लो D4', ये I3 था और ये I4 मान लो, तो D4' मान लो ये हो गया है ना। तो D4' क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, तो ये लिख देंगे D4', यानी S इज इक्वल टू जो आ जाएगा अपना, तो क्या जाएगा T2 प्लस X प्लस T1 प्लस D माइनस D' लिखेंगे तो N2 क्या D4' क्या आ गया भाई। अब यहाँ से देखो T2/N2 माइनस X माइनस T1/N1 माइनस D प्लस D माइनस D कैंसिल प्लस X माइनस X कैंसिल, फाइनली क्या आ गया, शिफ्टिंग इज इक्वल टू T1 1 माइनस 1/N1 एंड T2 1-1/N2। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जो शिफ्टिंग होगा सिंपली द इंडिविजुअल सम ऑफ द इंडिविजुअल शिफ्टिंग है ना। मतलब अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में है भी अगर कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शिफ्टिंग, नेट शिफ्टिंग इज बेसिकली द सम ऑफ इंडिविजुअल शिफ्टिंग। ओके, समझ में आया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर ये दोनों जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जैसे दोनों साइड में, मैं क्या बोला था कि फार्मूला हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेम है, तो यहाँ पे भी एयर था, यहाँ पे भी एयर था और यहाँ पे भी एयर था। बोलेगा कि सर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए सेम है तो क्या होगा। तो बेटा देखो ये भी एक ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो ये भी एक ग्लास स्लैब की तरह एक्टिंग करना शुरू करेगा। मतलब तीन स्लैब जो भी पहले क्वेश्चंस करवाए हैं है ना, तो वो हो जाएगा। लेकिन ये दोनों का सरफेस सराउंडिंग का सरफेस सेम रहना चाहिए, हर हमेशा ध्यान रखना चाहिए सरफेस ऑन बोथ साइड ऑफ द स्लैब ही शुड बी सेम। ओके, तो समझ में आया। तो ये हमारा आज की क्लास बेसिकली था शिफ्टिंग से रिलेटेड। एक और है लेटरल शिफ्टिंग। ओके, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा तो आई थिंक वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो अप्रॉक्स 1 आवर का वीडियो हो चुका है, तो आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस वीडियो एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल डू क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द लैटरल शिफ्टिंग और यू कैन से द शिफ्टिंग इन इमरजेंट ट्रेन जब क्लास लैब का होगा है ना। तो आज का क्लास शायद आई थिंक बहुत इंटरटेनिंग क्लास होगा। ओके, सो फॉर दिस क्लास टाटा एंड बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।